हाय गाइस, मैं हूँ प्रिंस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। भैया देखो, सामने असली चीज खड़ी है यार। मतलब ये गाड़ी ऐसी है ना कि मतलब मैं जस्ट रोड से क्रॉस हो रहा था एंड जब मेरी नज़र इस पर पड़ी, मतलब मैं पहले भी आया चुका हूँ, मैंने 300 का व्लॉग शूट कर रखा है, लेकिन इच्छा थी मन में कि इसका भी शूट करेंगे, बिकॉज यार ये गाड़ी बस नॉर्मल खड़ी रहती है, ये इतनी अटेंशन ग्रैप करती है। सीरियसली बता रहा हूँ, अभी मैं शूट कर रहा था, इतने लोगों ने आके बाइक देखी ना, मतलब ऐसी क्या चीज़ है, और सही में बहुत अटेंशन ग्रैप करती है भाई। तो आज की इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर डाली है कावासाकी ने, एंड है क्या, मतलब क्या चीज़ है। तो भाई सबसे पहले नाम बता दो इस गाड़ी का। इसका नाम है कावासाकी वुल्कन। कावासाकी वुल्कन ऐसे स्टैंडर्ड वेरिएंट ही आता है इंडिया में इसका, एंड आपने शायद बाइक्स बहुत सी मूवी में देखी होगी, हालांकि मूवी का नाम मेरे को भी याद नहीं, पर मैंने बहुत सी मूवीज़ में देखी है बाइक। हार्ले डिविजन से भी लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हार्ले डिविजन ही कावासाकी, नहीं भाई ये कावासाकी है। तो आज की इस वीडियो में ये बाइक एक्सप्लोर कराता हूँ, बताता हूँ क्या क्या फीचर्स कावासाकी ने इसके अंदर डाले हैं। वुल्कन नाम है इसका, नाम भी बहुत शानदार है गाड़ी का, तो डिटेल में बात करने वाले। तो भैया सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फ्रंट से। फ्रंट में क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रंट में आप देखोगे यहाँ पर जो इसके हेडलाइट सेटअप है, वो आपको अपना नॉर्मल हैलोजन ही मिलता है इसके अंदर देखने में, ये मत समझना इसको। अच्छी खासी पावर के साथ आपको हेडलाइट देखने को मिल जाती है। प्लस इनफैक्ट वी विल टॉक अबाउट द फ्रंट टायर। फ्रंट में आप देखोगे 18 इंच का आपको फ्रंट में अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्पोर्ट मैक्स के देखने को मिलेंगे। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक का साइज़ है वो है 300 mm, एंड फ्रंट में आपको 2 पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेगा, एंड रियर में आपको सिंगल पिस्टन ही देखने को मिलता है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे बाइक के साथ, जो ये रेड कलर की ट्रीटमेंट आती है ना पूरी बाइक में, ब्लैक एंड रेड की, बहुत शानदार लगती देखने में। फ्रंट में सस्पेंशन की बात करूँगे तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, जो कि एडजस्टेबल रहेंगे, 41 mm के आसपास के हैं, तो टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स इस बाइक में आपको नॉर्मल हेलोजन ही देखने को मिलेंगे, एंड लाइट्स भी हेलोजन ही देखने को मिलेगी इसके अंदर में। एंड बाकी टायर की प्रोफाइल देख लो, टायर प्रोफाइल बता दूँ 18 इंच के मिलेंगे। बाकी प्रोफाइल में आपको टायर की एक्सप्लेन करूँ तो है 120/70 R18 18 इंच के इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, एंड 18 इंच के कितने शानदार लगते हैं। ड्यूल चैनल ABS इसके अंदर देखने को मिलता है। बाकी बाइक के साइड लुक की बात करें तो 2.3 मीटर लेंथ है, एंड 805 mm 805 mm जो है बाइक की वेथ है, एंड 1 मीटर जो है अराउंड बाइक की हाइट है। बाकी बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो 130 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको वुल्कन ऑफर करती है, विच इज़ काइंड ऑफ डिसेंट है, मतलब क्रूजर बाइक है बेसिकली यार, तो क्रूजर बाइक में आपको इतना ही मिलेगा। ऑफकोर्स की बात है, क्रूजर बाइक से ऑफरोडिंग तो करने वाले होनी। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ पर से आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलेंगे, जो कि पूरा पीछे तक कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पर आपको उसका रेडिएटर ग्रिल यानी बेसिकली एयर फिल्टर कहते हैं, वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, व्हाइट एंड जो रेड की ट्रीटमेंट है बहुत शानदार लगती है बाइक में देखने में। यहाँ पर आपको इसका 650 cc का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 58 bhp एंड 62 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो 650 cc की ये बाइक होने वाली है, एंड यहाँ कावासाकी का इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि लिक्विड कूल रहेगा। यहाँ पर आपको इसके अंदर अपने पैडल जो है फुटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, बीच में कावासाकी की लोग बैजिंग है। रियर सस्पेंशन की बात करूँगे तो इसमें आपको जो है ऑफसेट ले डाउन एडजस्टेबल सिंगल शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा, जो कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पे लोड वगैरह के हिसाब से। जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, 805 mm चौड़ी सीट्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है बाइक के अंदर में। रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, इनकी जो लेंथ है वो है 250 mm की डिस्क ब्रेक की लेंथ है, मतलब डायमीटर कह दो 250 mm साइज है। एंड जो रियर में कैलिपर्स देखने को मिलेंगे वो सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेंगे। रियर में 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, यार अलॉय व्हील्स ने डिज़ाइन बहुत पसंद आया मुझे। एंड इनकी भी प्रोफाइल बताऊँ तो है कहाँ छुपी हुई है, 160/60 R17 160/60 R17 देखने को मिलेंगे। रियर से भी बाइक का लुक काफ़ी अच्छा यूनिक निकल के आता है, ये देखो रियर से कुछ इस तरीके की बाइक लगती है। ये आपको LED रिफ्लेक्टर बेस मिलेगी, यहाँ पर आपको दो हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड काफ़ी यार माचो लुक निकल के आता है बाइक का, बहुत पसंद आई मुझे। स्पोर्टर से हटके क्रूजर बाइक में भी कावासाकी ने बहुत अच्छा काम करा है। यहाँ पर आप देखोगे सीट हाइट इसकी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। यहाँ वुल्कन S की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ कावासाकी बैजिंग है। 14 लीटर की फ्यूल टैंक है, एंड 2.3 लीटर की जो है इसकी रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, तो अच्छा खासा 14 लीटर का फ्यूल टैंक है, बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको अपना LED इंडिकेटर्स एंड हेडलाइट्स के कंट्रोल प्लस हॉर्न के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, हजार लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल में इसका बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में, अच्छी खासी डिज़ाइन के साथ आता है। यहाँ पर ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, इसके लेवल्स आप सेट कर सकते हो कितनी हार्ड ब्रेकिंग चाहिए आपको। यहाँ पर बात करें तो ये देखो यार, तो इस तरीके की इसकी जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 12,000 RPM तक की मार्किंग है। यहाँ पर आपको अपने सारे डिजिटल स्पीड हो गया, प्लस आपको जो एंड जो इसके हेडलाइट्स है वो भी ऑटोमेटिक आएंगे, एंड ट्रिप मीटर की इन्फॉर्मेशन होगी, कौन से गियर पे चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। साथ ही में और बात करें
तो कितने का एवरेज दिया, रेंज कितनी बाकी है वो आपको शो हो जाएगा, प्लस कितने किलोमीटर्स चल चुकी है टोटल वो शो हो जाएगा, एंड ट्रिप मीटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर में। तो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, फ्यूल गेज मीटर भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड न्यूट्रल पे है तो अभी न्यूट्रल की बैचिंग हो जाएगी, इंडिकेटर्स वगैरह की यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन वो शो होती हो रहेगी। यहाँ पर आपको ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगा जिससे आप इग्निशन ऑन करोगे। एंड अच्छा लगा है सेटअप देखने में, काफ़ी पसंद आई मुझे बाइक तो। एंड इधर इस साइड से बात करूँगे तो जो इसका गियर शिफ्ट पैटर्न है वो 1 down and 5 up है, यानी पहला गियर नीचे लगेगा एंड बाकी के 5 gear ऊपर लगेंगे। तो 1 down 5 up, यहाँ पर इंजन गार्ड देखने को मिल जाएगा, चेन ड्रिवन बाइक है ये एंड प्रॉपर क्रूजर बाइक है। तो इसकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 6.5 lakh rupees, तो 6 lakh 6.5 lakh मेरे ख्याल से ऑन रोड तक जाती होगी, मेरे ख्याल से ऑन रोड प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा आप देख लेना। बाकी जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 6,34,000 rupees, लगभग हर स्टेट टू स्टेट वेराई करता है। 6.5 lakh का पकड़ के चलो इस बाइक की प्राइस एक्सशोरूम, एंड 6,34,000 ये इंदौर में पड़ती है एक्सशोरूम। तो ये थी कावासाकी वुल्कन एस का इन डेप्थ डिटेल रिव्यू, होप करता हूँ आपको ये बाइक पसंद आएगी। बाइक पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे ही कार्स एंड बाइक रिलेटेड वीडियो रिव्यू लाता रहता हूँ। तो टिल देन पीस आउट एंड ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।